एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और अभी बस मैं नहा करके आई हूँ, मैंने पूजा भी कर ली है। आपने देखा, आप सोच रहे होंगे मैं इतना तैयार क्यों हूँ आज। वैसे तो मैं तैयार होती नहीं हूँ शिप पे, लेकिन अभी मुझे एक वीडियो शूट करना था तो वही मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा तैयार हुई हूँ। टचअप किया है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कॉम्पैक्ट लगाया है और थोड़ी सी आईब्रोज बनाई हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं किया है। ईयरिंग्स डालनी है बहुत दिनों के बाद। लिपस्टिक वही वाली है जो डेली लगाती हूँ, बस आज इसको थोड़ा सा डार्क करके लगाया है, और तो कुछ नहीं है। पीहू प्ले कर रही है, वर्मा जी भी अपने ऑफिस में हैं। चलिए चलते हैं पीहू के पास, थोड़ी देर उसको पढ़ाएंगे। अभी टाइम क्या हो रहा है? अच्छा, इस रूम में वॉच नहीं है, वॉच है डे रूम में। अभी टाइम हो रहा है 11, ठीक है। तो अभी मैं नहा के आई हूँ, आज संडे है, आज मैंने सोचा चलो आराम से नहाएंगे, देर से नहाएंगे, इसलिए मैंने जल्दी नहीं करी। थोड़ा सा लेट भी उठी थी मैं, कल थोड़ी हम लोग मूवी वूवी देख रहे थे, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। और आपको मेरा कल वाला व्लॉग अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि वर्मा जी जहाज पे चीफ इंजीनियर है। मैं सुपर न्यूमरी हूँ, मैं शिप पे जॉब नहीं करती हूँ, मेरी जॉब है मेरा यूट्यूब, जो कि मुझे बहुत प्यारा है, और मैं आप लोग के साथ यूट्यूब के ज़रिए ही सारी बातें शेयर करती हूँ। अभी मैंने फ़ैन चलाया है, यहाँ पे गर्मी लग रही है, पता है क्यों? दो दिन एसी चला, आज फिर एसी बंद हो गया है, एसी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। बताया ना मैंने आपको, ये जहाज़ बहुत पुराना है तो कुछ ना कुछ यहाँ प्रॉब्लम लगी ही रहती है। तो ऐसा नहीं है कि जहाज़ में रहने वाला हर आदमी एकदम सुखी है, खुश है, कुछ ना कुछ जहाज़ में प्रॉब्लम लगी रहती है। प्रॉब्लम सब जगह रहती है ये मुझे पता है, तो ऐसी कोई वो बात नहीं है। लेकिन आज आपको मैं बताऊंगी, जब मैं शिप पे जिस दिन आई थी ना, उस दिन हम लोगों ने क्या क्या फ़ेस किया था, मतलब उस दिन से एक हफ्ते तक जहाज़ पे मैंने क्या क्या फ़ेस किया था, वो सारी बातें आज मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ कि कितना मुसीबत भरा समय था वो मेरे लिए। वैसे तो आपको पता है एक हफ्ते मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मुझे सी सिकनेस फील हो रही थी, वो तो था ही साथ और भी बहुत सारी शिप में प्रॉब्लम्स थी, तो वो सारी बातें आज डिस्कस करेंगे हम लोग इस ब्लॉग में। अभी चलते हैं, थोड़ी देर पीहू को पढ़ा लेते हैं, एक घंटा है मेरे पास, तो चलिए चलते हैं। क्या कर रही थी आप? पढ़ोगी? हेलो, गुड मॉर्निंग। आज ब्रेकफास्ट किया? हाँ। क्या खाया? ओट्स। ओट्स और क्या खाया था? फ्रेंच फ्राइज। संडे को शिप में ओट्स बनता है, फ्रेंच फ्राइज बनता है, ऑमलेट ब्रेड रहता है, और बेक बीन्स रहते हैं, और नॉन वेज वालों के लिए वो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं? नॉन वेज वालों के लिए हम नहीं, कटलेट नहीं होता है वो, चिकन के वो होते हैं छोटे छोटे से, क्या बोलते हैं उसे? एक कॉल आ गई थी, हाँ, तो वो मुझे याद नहीं आ रहा है, चिकन को कुछ होता है, मतलब उसके लिए वेजिटेरियन के लिए सॉसेज, हाँ, वेजिटेरियन के लिए होता है फ्रेंच फ्राइज, और नॉन वेज के लिए होता है चिकन सॉसेज, तो वो था। और आज लंच में बनेगा बिरयानी रहती है संडे में, हर जहाज का यही रूल है, संडे बिरयानी का दिन होता है, तो आज बिरयानी और क्या दही नहीं क्या बोलते हैं, रायता, मिक्स रायता होता है, उसमें वेजिटेबल्स डाल करके। तो बस अभी मैं यहाँ बैठी हुई थी पोर्ट होल के पास, तो देखिए एकदम से शिप कितना ज़्यादा रोल हो रहा है, तो मुझे लगा चलो मैं रिकॉर्ड करती हूँ। देखिए अभी आप देख सकते हैं कि राइट की तरफ झुका है, फिर अभी लेफ्ट झुक जाएगा। तो आप लोग पूछ रहे थे जब ऐसा शिप हिलता है तो क्या मुझे डर नहीं लगता है? डर तो लगता है, पर डर नहीं भी लगता है, मतलब क्या बोलूँ, पता नहीं, मुझे डर नहीं लगता है, शिप के अंदर हैं, सब कुछ ठीक है तो ठीक है। और देखिए यहाँ सामने से मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रही थी कि यहाँ पोर्ट होल में कभी एकदम से बादल दिख रहा है, ऐसा हिल रहा है जैसे कि कभी पानी दिखता है, एकदम नीचे झुक जाता है। ये देखिए अभी मैंने रिकॉर्ड किया इसको, एक मैं फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ पर वो बार बार अनफोकस हो रहा था। ये देखिए अभी बादल दिख रहा है, फिर अभी पानी दिखेगा, इस तरह से शिप हिल रहा था।
तो वही मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही थी। और इसके बाद फिर लंच टाइम हो गया था, तो 1:15 बजे के करीब मैं नीचे आ गई थी लंच करने। आज संडे है तो यहाँ पे बिरयानी बनी है, मैंने आपको बताया, साथ में है ये रायता। यहाँ पे नॉन वेज वालों के लिए भी है, वेज वालों के लिए भी है। तो मेरी प्लेट तो ये है, मैं रायता खाती नहीं हूँ, साथ में लस्सी है, बट मैं लस्सी भी नहीं पीती हूँ, तो वो बाद में पीहू के काम आ जाएगी। इधर पीहू बैठी है, वर्मा जी भी बैठ रहे हैं, तो अब हम लोग अपना लंच स्टार्ट करेंगे। और वर्मा जी के साथ पास में रायता भी है, तो चलिए ब्रेकफास्ट कर सॉरी लंच कर लेते हैं। अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं और मैं लस्सी नहीं पीती हूँ, तो लस्सी ले आई हूँ, ऑरेंज ले आई हूँ, पीहू बाद में खा लेगी। पीहू, हाँ पीहू को ऑरेंज पसंद है। और पीहू अपनी पानी की बोतल साथ में लेके जाती हैं, साथ में लेके आती हैं। इधर वर्मा जी भी आ गए। चलिए गेट खोलिए बड़ा साहब, क्योंकि एसी बंद है तो फिर से यहाँ पे ये गेट को खोल दिया जाएगा। अभी हम लोग चलते हैं अपने कैबिन में। तो आ गए अपने कैबिन में। और हाँ, मुझे एक कमेंट आया था कि आप अपना फ्रिज दिखाइए, फ्रिज क्यों नहीं दिखाया। एक्चुअली फ्रिज बहुत छोटा है और उसमें ऐसे ही थोड़ा सा सामान है, इसलिए मैंने दिखाया नहीं। चलिए दिखा देती हूँ। ये है हमारा छोटू सा फ्रिज, जहाँ यहाँ पे कैडबरी और चॉकलेट वगैरह रखी हैं। इधर लस्सी, छाछ, ब्रेड का पैकेट, दूध और इधर बटर रखा हुआ है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो छोटू सी फ्रिज है इसलिए नहीं दिखाया था। चलिए आज दिखा दिया आप लोग की डिमांड पे। तो बस अभी शाम हो चुकी है और मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में, मतलब अंदर वाले रूम पे। सारा दिन हम लोग डे रूम में ही रहते हैं, तो बेडरूम में बहुत कम रिकॉर्डिंग हो पाती है, बट मैंने कहा चलो आज यहाँ से स्टार्ट करती हूँ शाम से। तो यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े वॉश किए थे, तो वो वर्मा जी के सूख गए थे, वो मैं उठा करके अंदर रख दे रही हूँ। और हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ कि हमने जब हम जहाज़ पर आए थे तो हमने क्या क्या फ़ेस किया। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जहाज़ पर। जब मैं आज पे आई ना, तो मैंने देखा कि इस शिप पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जहाज़ में पानी नहीं था। मतलब कौन सोच सकता है कि ऐसा भी देखने को मिलेगा, ऐसा भी फेस करने को मिलेगा कि जहाज़ में पानी नहीं है। तो जी हाँ, शिप में पानी नहीं था। कुछ प्रॉब्लम्स हैं शिप में जिसकी वजह से शिप में वॉशरूम में पानी नहीं था, एसी नहीं चल रहा था और प्रोविज़न भी ख़त्म हो गया था। तो मतलब प्रोविज़न तो खैर अब आ गया है, लेकिन उस टाइम पर प्रोविज़न भी ख़त्म हो गया था। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब भी मुझे शिप में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स तो कभी मैंने शिप में देखी ही नहीं थी। बट कोई बात नहीं, ये सब तो लाइफ में चलता रहता है, तो वही मैंने सोचा चलो आज आपके साथ शेयर कर देते हैं। और अभी शाम हो चुकी है, चाय वाय हो चुकी है। आज सारा दिन मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो इसलिए ज़्यादा रिकॉर्डिंग तो मैंने नहीं करी। और अभी बस मैं पीहू को पढ़ा करके आई हूँ, अब हम लोग जाने वाले हैं ऊपर ब्रिज पर वॉक के लिए। तो मैं यहाँ पर फेस वॉश करी हूँ और अभी मैं देख रही थी बाहर सनसेट हो रहा है। चलिए छत पर चलते हैं वॉक करने के लिए। उसके पहले यहाँ मैंने अपने बाल कॉम कर लिए हैं, पीहू भी आ गई है, वो भी बोल रही
रही थी मम्मा मुझे कॉम कर दो, वो देखती है कि मैं चोटी बांधती हूँ तो वो कहती है मम्मा मुझे भी चोटी बांधना है, तो अब मैं उसकी भी चोटी बांधूंगी। और यहाँ मेरी ये इयररिंग्स रखी हैं जो सुबह मैंने पहन रखी थी, तो उसको भी मैं ड्रॉअर में अपने डिब्बे में रख दूंगी। और ये देखिए यहाँ पे पीहू आ चुकी है।